नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9 मैथ्स चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है संख्या पद्धति। इसके कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं चैप्टर फर्स्ट के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहा गया है कि परिमेय संख्या 3/40 बराबर है। ऑप्शंस दिए हुए हमारे पास 0.75, 0.12, 0.012 और 0.075। तो हमें यह बताना है कि जो ये परिमेय संख्या है 3/40, ये इनमें से किसके बराबर है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास है 3/40, तो हमको क्या करना है, 3 को 40 से भाग करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 को अंदर लिख देंगे और 40 से इसको भाग करेंगे। अब जो 3 है वो 40 से छोटा है, तो यहाँ पे हम ना जाने के नाम के एक जीरो लगा लेंगे, और यहाँ पे जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे अब हम दशमलव लगा लेंगे। अब देखो ये 40 है और ये 30 है, ये अभी भी इससे छोटा है, तो एक जीरो लगा देंगे और यहाँ पे एक जीरो लगा के अब देखेंगे। अब देखो 40 और ये 300 है, तो 40 सत्ते 4 सत्ते 28 होता है, तो ये 280 हो जाएगा, 7 पे चला जाएगा ये। तो अब यहाँ से इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 रह जाएगा, और एक और जीरो लगा के फिर हम इसको करेंगे तो 40 पंजे 200 होता है, तो 5 पे चला जाएगा हमारे पास ये 200 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जीरो आ जाएगा। अब देखो 3/40 का जो दशमलव रूप है वो हमें मिल गया 0.075। अब आप इसको ऑप्शन में से देख लेंगे। पहले ऑप्शन में हमारे पास है 0.75, तो हमारे पास आंसर में है 0.075, तो ये नहीं है। दूसरे में है 0.12, तीसरे में है 0.012 और चौथे में है 0.075। तो 0.075 हमारा राइट ऑप्शन है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारे पास आंसर है वो 0.075, तो डी हमारा राइट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है, 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या निकालनी है। ऑप्शन दे रखे हैं 3/2, 4/3, 7/2 और 7/4। प्यारे बच्चों, आपको किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में कोई परिमेय संख्या निकालनी है तो आप क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं को जोड़ दें और उसके बटे में 2 कर दें। उन दोनों संख्याओं को जोड़ के उसके बटे में 2 कर दो। तो हमें 3 और 4 के बीच में निकालनी है, तो हम 3 और 4 को जोड़ देते हैं तो 7 आ जाएगा, 7/2। अब 7/2 इसमें आप देख लें, 3/2, 4/3, 7/2, 7/4, तो 7/2 हमें मिल गया, यानी कि सी हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। अब ए ऑप्शन में है वर्गमूल 4, बी ऑप्शन में है 0, सी ऑप्शन में है 1 और डी ऑप्शन में है वर्गमूल 2। अब देखो प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम p/q के रूप में लिखें, जहां पे p और q पूर्णांक है और q 0 नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले तो अगर हम 0 की बात करें तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, तो इस रूप में लिखी गई है। अगर हम 1 की बात करें तो इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, तो ये भी इस रूप में लिखा गया। एक आया वर्गमूल 4 और एक आया वर्गमूल 2, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो वर्गमूल वाली संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, देखो वर्गमूल 4 है ये, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो यहां पे जो वर्गमूल के अंदर संख्या लिखी है अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो उससे हमें परिमेय संख्या मिलेगी। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो यहां से तो 4 का वर्गमूल तो 2 के बराबर है। अभी 4 का वर्गमूल हमारे पास 2 के बराबर है। अब आप देखें कि 4 का वर्गमूल अगर 2 के बराबर है तो 2 को तो हम 2/1 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। तो ये भी परिमेय संख्या होगी, ये भी परिमेय संख्या होगी, और यहां पे भी हमें परिमेय संख्या मिली। तो कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो डी हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास, तीन सही तीन बटे आठ का दशमलव रूप है, तो इनका दशमलव रूप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम तीन सही तीन बटे आठ को लिखते हैं, तो इसको ये जो मिश्रित भिन्न है इसको पहले हम हल कर लेते हैं, आठ किया चौबीस, चौबीस और तीन सत्ताईस, इसकी इसके साथ गुणा करते हैं और फिर ये जोड़ देते हैं इसमें, आठ किया चौबीस, चौबीस और तीन सत्ताईस, तो ये सत्ताईस बटे आठ है अभी। अब सत्ताईस बटे आठ को आप, सत्ताईस को आप आठ से भाग करोगे, आठ किया चौबीस, तीन बज गए। अब हम यहाँ जीरो लगा लेते हैं तो यहाँ दशमलव लगा देते हैं, यहाँ पे फिर हमारे पास आठ किया चौबीस, अब की बार छः बज गए, जीरो लगाया, आठ सत्ते छप्पन, चार बज गए, फिर जीरो लगाया, आठ पंजे चालीस, तो अब की बार ये पूरा पूरा कट गया, तो दशमलव रूप आ गया तीन दशमलव तीन सात पाँच, तीन दशमलव तीन सात पाँच। पहला ही ऑप्शन हमारा देखो, तीन दशमलव तीन सात पाँच पहला ही ऑप्शन है हमारे पास, तो ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहां पे कहा गया है कि जीरो दशमलव छः बार का पी बटा क्यू रूप है, तो जीरो जीरो दशमलव छः बार, तो यहां पे इसका पी बटा क्यू, इसको पी बटा क्यू रूप में लिखना है हमें। तो यहां पे देखो आप एक चीज ध्यान रखोगे, ये बार का मतलब यह है कि हमारे पास ये इसका जो ये जो संख्या है उसका दशमलव प्रसार अशांत है, यानी कि ये बार बार आ रहा है, छ छ छ छ छ के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यानी कि ये छ बार बार आया हो, तो इसका मतलब ये है। अब आप क्या करेंगे, आप इसको 10 से गुना कर दें, जब आप इसको 10 से गुना करेंगे, इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं, हमने इसको एक्स के बराबर मान लिया, अब हम इसको 10 से अगर गुना कर दें तो ये 10x हो गया। जब हम किसी भी संख्या को 10 से गुना करते हैं दशमलव वाली संख्या को, तो ये जो दशमलव है खिसक के एक इधर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 6.66666666, इस तरह से चलता रहेगा, तो ये हमारे पास समीकरण दो हो गया। अब इसमें से हम ये घटा देते हैं, 10x में से x घटा देंगे तो 9x आ जाएगा, और इधर इसमें से जब हम ये घटाएंगे 0.6666, इसको घटाएंगे हम, तो हमारे पास 9x बराबर आ जाएगा। देखेंगे आप यहाँ देखो, जीरो इसमें से ही घटाएंगे तो 0.00000.6, तो 6.0, ये सारे जीरो हैं, तो इसका मतलब ये 6 हैं, तो x बराबर हमारे पास 6 बटे में 9, ये इसके बटे में आ गया, 3 × 6 = 3, 3 × 9, तो x का मान आ गया 2/3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2/3 के बराबर। तो आप देख लेंगे इसमें 2/3 है क्या कहीं, 6/99 2/3, तो 2/3 है हमारे पास, तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हल करने का एक दूसरा तरीका भी है, यहाँ पे दूसरे तरीके की अगर हम बात करें कि 0.6 बार पी बटा क्या रूप है, इनमें से किसका पी बटा क्या रूप है, अगर हम 6/99 लें, 6/99, अब ये तो देखो कितना है, 3 पे कैंसिल कर लो, 3 × 6 और ये आ गया हमारे पास 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 9, 2/33, तो जब हम 2 को 33 से भाग करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ गया, यहाँ पे 0 लगाई तो दशमलव, ये फिर भी हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे अब एक और 0 लगा लेते हैं, तो 6 पे करेंगे, 3 × 6 = 18 का 8 हासिल, 1 18 और 1 19, 2 बच गया। अब देखो ये तो 0.06 ऐसा है, और ये हमारे पास है कितना, ये है 0.6666, ऐसा चलेगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो यहां से हमें थोड़ा सा सोल्व करने से ही पता चल गया कि ये ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा 2/3 है, अब आप देखो 2 को 3 से करेंगे, 0 यहाँ पे 0 लगाई तो दशमलव, 3 × 6 = 18, 2 बच गया, 0 लगाई 3 × 6 = 18, फिर 2 बच गया, 0 लगाई 3 × 6 = 18, फिर 2 बच गया, 0 लगाई 3 × 6 = 18, फिर 2 बच गया, तो ऐसे ही बचता रहेगा, तो ये इसी तरह चलता रहेगा, 6 6 6 6, यानी कि बिल्कुल सही बात है, तो यानी कि यही है हमारे पास, तो आप इसको आंसर से भी सोल्व कर सकते हैं। 3/5 के लिए करके देखें, यहाँ 0.5 × 6 = 30,
तो ये तो खत्म हो गया, यहीं पर रुक गया, ये तो सिर्फ 0.6 है और वो 0.6 बार है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। 1/66 के लिए करके देखें, ये 1 और ये 66, 0 यहाँ पे 0 लगाई, दशमलव लगा के फिर 0, यहाँ पे 100 बना तो 66 एकम 66 ही आएगा फिर ये तो। अब ये देखो आगे 0 लगाएंगे तो 0.01 आ गया और हमारा तो 0.666 था, तो ये भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब हमारा जो बी है वो राइट ऑप्शन है। तो आप दो तरीके से कर सकते हो आप इसको, और इसको आप चाहे तो सीधा सोल्व कर ले और आप चाहे तो इनको ऑप्शन से भी हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 इसका पूरे का वर्ग का मान है, इनमें से कौन सा इसका मान होगा, हमें मान निकालना है वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 इसके वर्ग का। आप देखेंगे a प्लस बी, एक सर्वसामिका है हमारे पास a प्लस बी, इसका वर्ग क्या होता है, a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab। अब आप देखो a की जगह पे वर्गमूल 5 रख दे, वर्गमूल 5, और b की जगह पे वर्गमूल 2 रख दे, तो देखो ये हो जाएगा वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 इसका वर्ग जो कि हमें निकालना है। इधर देखो ये a की जगह पे वर्गमूल 5 इसका वर्ग, वर्गमूल 2 इसका वर्ग जमा 2 गुना में a का मान है वर्गमूल 5 और b का मान है वर्गमूल 2, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा 5 मिल गया, वर्ग से वर्गमूल कट गया 2 मिल गया, प्लस 2 वर्गमूल वर्गमूल a गुना में वर्गमूल b, हम इसको वर्गमूल a गुना में b लिख सकते हैं। तो देखो वर्गमूल 5 और वर्गमूल 2 इसको दोनों को एक ही वर्ग में लिखें तो यहाँ 5 गुना में 2 लिख सकते हैं, तो 5 और 2 7 हो गए हमारे पास, और ये 2 5 की और 2 की गुना करेंगे तो ये वर्गमूल 10 आ जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास 7 जमा 2 वर्गमूल 10। आप देख लें पहले में है 7 जमा 2 वर्गमूल 5, दूसरे में 1 जमा 5 वर्गमूल 2, तीसरे में है 7 जमा 2 वर्गमूल 10, 7 जमा 2 वर्गमूल 10, तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है 16 इसकी शक्ति है 3/4 बराबर है, इनमें से किसके बराबर है, तो यहां पे जब जो शक्ति है जो घात है वो परिमेय संख्या के रूप में, आप तो इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लें, 16 इसके अभाज्य गुणनखंड बना लें, 2 पे किया तो 8, फिर 2 पे किया तो 4, फिर 2 पे किया तो 2, और 2 पे किया तो 1, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, यानी कि 16 को लिख सकते हैं 2 की शक्ति 4। तो ये हो गया हमारे पास 2 की शक्ति 4 और इसकी पूरे की शक्ति है 3/4, तो 2 की शक्ति 4 गुना में 3/4, 4 के साथ 4 कैंसिल, तो ये आ गया 2 की शक्ति 3, 2 की शक्ति 3 यानी कि 2 की 3 बार आपसे गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 8, ऑप्शन डी में 48, तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनकी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो लेटेस्ट पैटर्न है उन सभी पैटर्न्स में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उनकी बेहद ज़्यादा वैल्यू है। जितने भी ऑनलाइन आपके टेस्ट होंगे, किसी भी ऐप के माध्यम से आपका टेस्ट होगा, गूगल फॉर्म के माध्यम से जो भी आपके टेस्ट हो रहे हैं उनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही ज़्यादातर आ रहे हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों आप लगातार मैथ सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।